टर्शरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप यूं समझ लें कि अगर आप कभी किसी छोटे बच्चे के हाथ में डिफरेंट कलर्स दे दें तो वो क्या करेगा, वो डिफरेंट शेप्स बनाएगा। लेट सपोज वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, तो ये जो है ये हमारे पास एक किस्म का टर्शरी स्ट्रक्चर बन गया है। हमारे पास जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स की शेप्स की, तो जो एक ग्लोबुलर शेप बनती है हमारे पास, डिफरेंट फोल्ड्स आ जाएँ जिसके अंदर डिफरेंट बैंड्स आ जाएँ, चेन्स भी हों, फोल्ड्स भी हों, बैंड्स भी हों, इस तरह से डिफरेंट हमारे पास कम्बिनेशन आ जाए, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर बन गया है। और इस टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर हमारे पास डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया है इंसुलिन के अंदर। टर्शरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, और वो जो एंटीबॉडीज हैं उनका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसे ही टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। एक एग्जांपल है हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर की, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक हेलिकल स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। अगर हम इसको गौर करें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ एक डायग्राम बना के बताई है, आपके पास देखें डिफरेंट टर्न्स हैं इसके अंदर, और एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपके पास कॉइल्स भी आ रही हैं, आपके पास स्ट्रेट भी आ रही है, जिस तरह से यूँ पेन चेंज कर लूँ आपको सही से, ये देखिए तो ये एक स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाता है। आपके पास डिफरेंट तरह की इसमें बॉन्ड, जैसे मैंने आपको बताया आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस बेसिकली, दोस्ता करके आपके पास एक टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर जिसकी हम बात करते हैं, जो कि मोस्टली हमारे पास प्रेजेंट होता है मोस्टली डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर, और वो है जी हमारे पास जिसे हम कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अब हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, अब हमने सेकेंडरी भी पढ़ लिया और टर्शरी भी पढ़ लिया, तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होगा? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को आप ऐसा समझ लें जैसे कि हमने आपको वो बच्चे की एग्जांपल दी थी, अगर आप किसी छोटे बच्चे को डिफरेंट कलर्स दे दें, डिफरेंट पेंस दे दें, और साथ में आप उसको गुस्सा भी ला दें तो क्या होगा? तो जनाब ये हुआ कि वो बच्चा डिफरेंट तरह की शेप्स बनाएगा, और एन मुमकिन है कि उन शेप्स में कोई एक शेप कुछ इस किस्म की शेप बने, हो सकता है ना? जी बिल्कुल, तो कुछ इसी किस्म की हमारे पास शेप होती है प्रोटीन के क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये एक हाईली कम्प्लेक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डिफरेंट तरह की बॉन्ड्स प्रेजेंट है। इसको हम कहते हैं इसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी है, हाइड्रोफोबिक, इसको हम आपको लिख के बता देते हैं, फोबिक, हाइड्रोफोबिक के वर्ड को, इस टर्म को हम ऑलरेडी एक्सचेंज कर चुके हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड है हमारे पास, आयनिक बॉन्ड है, तो ये डिफरेंट तरह के बॉन्डिंग प्रेजेंट है इन इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, आयनिक बॉन्ड, और इस बॉन्ड की वजह से एक बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन एक इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। हीमोग्लोबिन के अंदर हमने आपको बताया कि फोर चेन्स होती हैं, और वो फोर चेन्स जो हैं वो दो अल्फा और दो बीटा चेन्स में डिवाइडेड होती हैं। तो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि हीमोग्लोबिन एक इसकी एग्जाम्पल है। जिसके अंदर सिमिलर ये जिसका स्ट्रक्चर जो है हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। एक फिगर से हम आपको उसको बताते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर को ज़रा आप गौर से देखें, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर है क्या, इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको हीम ग्रुप जो है ये Fe यानी कि आयरन आपको यहाँ नजर आएगा, ये एक आयरन, और उसके साथ हमारे पास डिफरेंट तरह की चेन्स हैं
ये ब्राउन कलर में आपको बीटा चेन्स नज़र आ रही हैं, और ये जो आपके पास पिंक पर्पलिश कलर में जो आपको चेन नज़र आ रही है, ये आपके पास अल्फा चेन है। तो इस तरह से ये एक अल्फा चेन हो गई, ये दूसरी अल्फा चेन हो गई, सिमिलरली ये एक आपके पास बीटा है चेन और ये दूसरी बीटा चेन हो गई। तो ये ओवरऑल आपके पास एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बन गया, और इसकी शेप अगर आप देखें तो आपको एक मैश बना नज़र आएगा जो कि एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करें। तो ये तो हमने देख लिया कि प्रोटीन्स की अगर हम स्ट्रक्चरली उसको डिवाइड कर दें तो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी क्या क्या टाइप्स होंगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब हम ये देखेंगे कि प्रोटीन्स को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है हम इसे कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्योंकि अब हमने डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, हमने देखा कि अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस से, उनके नंबर से, हर चीज़ से जो है वो प्रोटीन जो है वो डिफर कर जाते हैं, डिफरेंट तरह के प्रोटीन आ जाते हैं हमारे पास। तो जो प्रोटीन की टाइप्स हैं उनको हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जो हम प्रोटीन्स को बना सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के अंदर। प्रोटीन्स के हम ब्रॉडली अगर देखें तो हम दो ग्रुप्स बनाते हैं, दो मेन टाइप्स हैं हमारे पास प्रोटीन्स की। वन इज फाइब्रस प्रोटीन, और सेकेंड है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन। एक एक करके हम इनकी टाइप्स को देखते जाते हैं। फर्स्ट टाइप जी हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती हैं? फाइब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन होती हैं जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फाइब्रिल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो। फाइब्रिल हम कहते हैं ये फाइबर्स की तरह, बट ये दे आर रिलेटिवली स्मॉल, छोटे फाइबर्स अगर हम कहें, स्मॉल फाइबर्स, फाइबर क्या धागे नुमा कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो तो उसे हम कहेंगे कि फाइब्रिल्स हैं। तो एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं वो आपके पास फाइबर्स के फॉर्म में, फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट हों तो वो हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन होंगी। जैसे कि अगर उसके प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की बात करें, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है और प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी प्लस सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बेसिकली मोस्ट कॉमनली हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स का है वो इस फाइब्रस प्रोटीन के अंदर आ जाता है। और अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं इन सब्सटेंसेस की। जैसे कि हम कहते हैं कि दे आर इनसोलेबल इन एक्वस मीडियम, ये एक्वस मीडियम यानी कि पानी के अंदर या ऐसी चीज़ें लिक्विड के अंदर जो पानी है उसके अंदर ये सोलेबल नहीं है, इनसोलेबल है। सिमिलरली दे आर नॉन क्रिस्टलाइन, इनके क्रिस्टल नहीं बनते, नॉन क्रिस्टलाइन। इसके अलावा ये नेचर में इलास्टिक होते हैं क्योंकि फाइबर्स की फॉर्म में है ना, आपके पास सीधी सीधी चेन है या पे कॉइल्ड फॉर्म में है तो इसके अंदर इलास्टिसिटी है, इलास्टिक इन नेचर है। और मोस्टली ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स को हम कहते हैं कि प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी के, हमारे सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर, मसल्स बन रहे हैं, बाल, हमारे हेयर हैं, हमारे नेल्स हैं, डिफरेंट हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन चीज़ों के बनाने में ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं ये बहुत हेल्पफुल है। अगर हम इसकी स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स को देखें तो इसके एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे पास आ जाएंगे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे पास हम कहते हैं जी, एक जो स्पाइडर का वेब होता है वो इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। सिमिलरली मायोसिन एक एग्जाम्पल है जो कि हमारे मसल्स हैं उनके अंदर, इसी तरह फाइब्रिन, फाइब्रिन जो है वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन आपने नाम पहले भी सुना होगा। इसी तरह हमारे पास केराटिन एक और एग्जाम्पल है जो जिससे हमारे नेल्स बनते हैं या हमारे जो हेयर बाल जो है हमारे, ये जो हमारे बनते हैं वो केराटिन की वजह से बनते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमने पढ़ ली फाइब्रस प्रोटीन। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास
सेकेंड जो हमने अपनी क्लासिफिकेशन के अंदर टाइप पढ़ी थी प्रोटीन की, वो थी हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन। वैसे तो इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये किस टाइप के प्रोटीन है, इसके अंदर क्या किस तरह का होगा। जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो हमारे पास जो लास्ट टू स्ट्रक्चर आए थे, यानी कि एक हमारे पास जो टर्शरी स्ट्रक्चर है और हमारे पास जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, वो दोनों टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर दोनों ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर दिए। ये कौन सी टाइप है? ये इस तरह के हमारे पास स्फेरिकल फॉर्म में, स्फेरिकल हो सकते हैं या फिर आपके पास ओवल शेप्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, इनके अंदर मल्टीपल फोल्डिंग्स होंगी। तो इस किस्म का जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहेंगे कि वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। जिसके एग्जांपल के अंदर, जैसे कि आपने हीमोग्लोबिन की एग्जांपल देखी, तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जैसे कि हमने पीछे जो है हमारे पास जो फाइब्रस प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ को देखा, तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पहली प्रॉपर्टी जैसे कि हमने सोलबिलिटी की बात की, तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन है दे आर सोलबल। ये सोलबल हैं एक्वस मीडियम के अंदर, पानी के अंदर, या आप लिक्विड कह लें, डिफरेंट तरह के लिक्विड्स के अंदर सोलबल है। एक और प्रॉपर्टी कि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, क्रिस्टलाइज आप इनको कर सकते हैं। सिमिलरली एक और बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी ये है कि अगर आपके पास एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आता है या फिर फिजिकली आप कोई चेंज लेके आते हैं, तो इन ग्लोबुलर इस प्रोटीन के अंदर भी कोई ना कोई चेंज आ जाएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में हमारे पास डिफरेंट तरह के एंजाइम या एंटीबॉडीज हैं या डिफरेंट तरह के हार्मोन्स जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, और हीमोग्लोबिन जैसे कि हमने आपको पहले बताया, ये सब के सब जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो ये इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है। आज के टॉपिक को हम समराइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर प्रोटीन को देखा। हमने कहा कि जो प्रोटीन है उसको हम स्ट्रक्चरली फोर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर लीनियर चेंज आती है। उसके बाद हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखा, जिसके अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर आता है हमारे पास क्वाइल्ड फॉर्म में। फिर उसके बाद हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि फोल्डिंग्स आ रही हैं डिफरेंट तरह की, और तीन डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग प्रेजेंट है। उसके बाद हमने क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को देखा, हमने कहा कि हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं और इनके अंदर डिफरेंट तरह की बॉन्डिंग, जैसे हमने कहा कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्ड है। इसके एग्जांपल में हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन हमने देखी प्रोटीन्स की, हमने दो मेन कैटेगरीज में प्रोटीन्स को डिवाइड कर दिया। एक हमने फाइब्रस प्रोटीन और दूसरी थी ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन हमने कहा कि ये फाइबर्स की तरह के हैं, और उसके हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने ग्लोबुलर प्रोटीन को डिस्कस किया, उसके हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर लाई करते हैं। तो ये तो आज का टॉपिक था।